हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन में लगे हुए एक ऐसे फ्लावर प्लांट के बारे में वीडियो शेयर करने वाली हूं जो कि कैलेंडुला है। और कैलेंडुला के फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर आपने कैलेंडुला लगाए हुए हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर बना हो और जब उसमें फूल आए तो काफ़ी भर के आए, ये मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ही अपने गार्डन में कुछ ना कुछ प्लांट लगाती रहती हूँ और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कैलेंडुला के फूल खूबसूरत होते हैं और उनकी फ्लावरिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसके फूल काफ़ी दिनों तक खिले भी होते हैं, इसलिए से हम सभी के मन पसंदीदा फूल होते हैं। आज की वीडियो इसी कैलेंडुला पे है तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कैलेंडुला के प्लांट किस तरह से मेरे गार्डन में बने हुए हैं और क्या फ्लावरिंग चल रही है। यहाँ पर कुछ कैलेंडुला के प्लांट रखे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ और भी प्लांट रखे हुए हैं। बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग चल रही है, मैंने समय से इनकी केयर की हुई है और इनके फूल बड़े ही खूबसूरत हैं क्योंकि ये मल्टी पेटल के हैं और कलर भी काफ़ी खूबसूरत है। प्लांट काफ़ी घना और बुशी हुआ है, तमामों बड़ों से भरा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप प्लांट चाहते हैं तो थोड़ी केयर करनी होगी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने इस कैलेंडुला को गार्डन में ऐड करें। मुझे तो कैलेंडुला के फूल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ये मेरे मनपसंद के फूल होते हैं। ये उगते भी बहुत ही आसानी से हैं और रहते भी गार्डन में अच्छे से हैं, बहुत ही इजी तरीके से इन्हें गार्डन में रखा जा सकता है। पहला, इनके लिए जब भी आप मिट्टी बनाते हैं तो अच्छी वेलड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि उस मिट्टी में सैंड मिला होना चाहिए और थोड़ी सी खाद मिली होनी चाहिए। खाद आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप कुछ भी खाद लेकर के और अपने इस प्लांट को दे सकते हैं। वैसे तो मैं समय समय से अपने यहाँ खुद ही कंपोस्टिंग करती रहती हूँ। कंपोस्टिंग के कई तरीके हैं, कुछ किचन से निकले हुए मटेरियल से कंपोस्टिंग होती है, कुछ अपने गार्डन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल से कंपोस्टिंग होती है, इस तरह से कई तरह से कंपोस्टिंग होती है। अगर आप किसी भी तरह का कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो वो आपके प्लांट के लिए बेस्ट होता है। प्लांट को लगाते समय इस तरह की मिट्टी अगर आप बना लेते हैं तो मानिए कि प्लांट आपका दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करता है। साथ ही साथ उसके साथ पॉट भी बहुत मायने रखता है। पॉट अगर मिट्टी का होता है तो प्लांट और भी अच्छी ग्रोथ करता है। प्लास्टिक की मिट्टी में क्या हो, प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है कि उसमें जल्दी पानी सूखता नहीं है, जिस वजह से प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो अगर आप मिट्टी का पॉट लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है और पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पानी इसको इतना चाहिए कि इसकी मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी एकदम सूखी कर देंगे, यानी कि काफ़ी ड्राई होती है, तो फिर प्लांट जो ग्रोथ करता है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए इसे मिट्टी में नमी बना के रखें, यानी कि इसे दो दिन तीन दिन पर पानी देना बहुत ही ज़रूरी है और जिससे कि मिट्टी में मॉइस्चर बना होना चाहिए और प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ करता रहे। इतनी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो साथ ही एक बात और भी ध्यान में रखना होता है कि इसे अच्छी सनलाइट भी पसंद है। जिन भाई बहनों ने इस प्लांट को लगाया है वो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ की अच्छी सनलाइट आती हो। धूप वगैरह इसे बहुत पसंद है, धूप में ये प्लांट और भी अच्छी ग्रोथ करता है। फिलहाल विंटर का ये प्लांट है, इन दिनों धूप कम होती है, लेकिन फरवरी से लेकर के आगे बहुत अच्छा मौसम होता है, उस समय इनकी ग्रोथ देखने के लायक होती है। उस समय आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ की बहुत ही अच्छा इसे सनलाइट मिले, तो ये इस सीज़न में बहुत अच्छी ये ग्रोथ करता है। साथ ही साथ आप इसे फ्लावरिंग के समय थोड़ा सा DAP के कुछ दाने दे सकते हैं जिससे कि ये और भी अच्छी ग्रोथ करता है और काफ़ी बड़े देता है, जिससे कि फूलों से ये भर जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं और मैं इसकी समय से इसी तरह से सब केयर करती रहती हूँ। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप विंटर प्लांट लगाएं और विंटर प्लांट में खास करके कैलेंडुला, कैलेंडुला को ये सब बहुत पसंद है। अगर इस तरह से आप लगा लेते हैं तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और इसकी फ्लावरिंग काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। अभी हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी ग्रोथ पे हैं, अभी तो इन्होंने ग्रोथ शुरू की है क्योंकि इन दिनों धूप हो रही है और मौसम काफ़ी सुहाना है, तो अभी हमारे प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और ये अप्रैल तक इसी तरह से खिलते रहेंगे, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना तो ये
बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ये साथ ही साथ बीज भी बनाते हैं। इनके सूखे हुए फूलों को आप हटाते जाइए, नए फूल नई कलियाँ इनमें आती रहेंगी, उन्हें अच्छी तरह से खिलने दीजिए। साथ ही साथ आप बीजों को लास्ट में कलेक्ट करें जिससे कि आने वाले समय में आप फिर से नए प्लांट बना सकें और उससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। इतना सब कुछ अगर कर लेते हैं तो आपके गार्डन में कैलेंडुला के फूल इस तरह से खिलेंगे कि मानो बहार आ गई हो। तो यही थी कैलेंडुला पर छोटी सी वीडियो और उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।